तिजारा कस्बे के अहिंसा सर्किल पर बुधवार की सुबह फिल्मी स्टाइल में आए बदमाशों ने एक युवक को 20 लाख रुपए की फिरौती की नियत से अपहरण कर लिया और परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग कर डाली। तुरंत ही एक्शन में आई तिजारा थाना पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर ही चार आरोपियों को नीमराना से घर दबोचा व चार आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है तो वहीं अपहरण किए गए युवक को सही सलामत बरामद कर लिया गया है। तिजारा डीएसपी प्रेम बहादुर ने बताया कि तिजारा के वार्ड नंबर 24 का रहने वाला मनीष सैनी अपनी पत्नी का हिंसा सर्किल पर बस में बैठाने के लिए आया था, तभी एक गाड़ी में फिल्मी स्टाइल में आए आठ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे गाड़ी में पटक कर नीमराना ले गए। इस दौरान सूचना लगते ही भिवाड़ी पुलिस ने सभी नाकों पर नाकाबंदी कराई तो शेखपुर थाने की नाकाबंदी को तोड़कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही थी तभी उसके परिजनों के फोन पर एक कॉल आई और मनीष को छुड़ाने के लिए 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। बदमाशों की ताक लगाए बैठी पुलिस ने फोन की लोकेशन को ट्रेस किया तो बदमाशों की लोकेशन नीमराना के पास बड़ोत गांव के खंडहर नुमा महल की आई। इस बीच बदमाशों ने अपहरण किए गए युवक मनीष को डराया धमकाया और उसके डंडों से पिटाई भी की जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों सहित सिर में भी चोट आई है। पुलिस को बदमाशों की लोकेशन मिलते ही तुरंत ही अपना जाल बिछाया और वह बड़ोत के खंडहर नुमा महल में जा पहुंची। पुलिस ने यहां पर गढ़ी के रहने वाले आरोपी सुरेंद्र पुत्र धर्मवीर यादव, नानू खुर्द पटोदी के रहने वाले महेश पुत्र धर्मवीर मेघवाल, बहरोड़ के रहने वाले देशपाल यादव व अजय मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच चार बदमाश भागने में सफल हो गए। तिजारा पुलिस पीड़ित मनीष को बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराकर तिजारा ले आई है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल मुआयना भी करवाया है और पीड़ित के साथ साथ बदमाशों से भी पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शेखपुर थाने में पीड़ित पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। 21 फरवरी की रात को बदमाश एक स्मार्ट सिटी जंगल में बने हुए मकान में ठहरे हुए थे। इन बदमाशों में से एक बदमाश मनीष के घर की रेखी कर रहा था। जब मनीष सैनी अपनी पत्नी को सुबह 9 बजे लेकर जा रहा था तो तभी बदमाशों ने मनीष का पीछा किया और अहिंसा सर्किल के पास फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने देसी कट्टे की नोक पर मारपीट कर कार में अपहरण कर पटक कर ले गए और परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। थाना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस पूरी कार्रवाई में अहम भूमिका तिजारा पुलिस टीम के एएसआई विजय सिंह, बहरोड़ थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल, कांस्टेबल महबूब खान, डीएसपी ड्राइवर अजय चौधरी, कांस्टेबल विकेश की रही है। मनीष नाम का एक मनीष सैनी था, उसका अपहरण करके ले गए थे कुछ लोग। एक्चुअली उसी घर पर एक बदमाश ने रैली की, रैली करने के बाद उनकी सूचना दी। सूचना देने के बाद उसका पीछा करने के बाद एक अर्टिगा गाड़ी के अंदर आठ लोगों ने मिलकर और कट्टे की नोक पर उसका वहां से अपहरण किया, उसके चोट भी पहुंचाई और उसको लेके हमारे पास सूचना आई, नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दबाव में चारों तरफ इधर उधर छुपते फिरते रहे, आखिरकार उनको परोग में उस रूद महल में के पास जाके हमको उनकी इन्फॉर्मेशन मिली और हमने उनको पकड़ लिया। वहां पर जाके खेतों में वो भाग गए, भाग के समय कितने गिरफ्तार कर लिए? कुल टोटल आठ लोगों ने ये अंजाम दिया है वारदात को, जिसमें से हमने चार लोगों को और एक अर्टिगा गाड़ी जिसके अंदर तीन चार फर्जी प्लेट भी मिली है नंबरों की और खून से सनी जो इसके चोट वोट आई, उसके कपड़े वगैरह सब मिले हैं। इन्होंने यहाँ से भागने बाद जैसे सूचना मिली, हमने शेखपुर में नाकाबंदी की, शेखपुर में नाकाबंदी कर रहे थे तो उस पर टक्कर मारने का बहुत जोर से प्रयास करके और उसको बैक करके वापस गाड़ी मुकदमा दर्ज करवाया है जानलेवा हमले का और इनके द्वारा 20.50 लाख रुपए यानी कि 20.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग इस लड़के से की थी। वहां महलों में और रास्ते के अंदर जवानों से जैसे इसका फोन खुला तो उसकी लोकेशन रास्ते से मिली, उस आधार पर तलाश करते हुए और वहां पर पहुंचे, पहले गाड़ी को प्राप्त किया और उसके बाद फिर वहां आसपास क्षेत्रों में तलाश किया तो एक व्यक्ति मिला संदिग्ध, जिससे पूछताछ करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ लड़के इधर उधर वहां मिल सकते हैं, उधर वहां हमें छोड़ के आया उनको। फिर बाकी वहां से पांच लोगों में से तीन लोगों को हमने पकड़ लिया, दो वहां से भाग गए,
जाप्ता जो भी था वो पर्याप्त इतना उपस्थित नहीं हो पाया वहाँ मौके पर जब कंटिन्यूटी में चल रहे थे। बाकी ऐसे तो बहरोड और कोट कासिम और शेखपुर के सिपाहियों का ऐसे नहीं उठा रहा है। तो आरोपियों से क्या बरामद हुआ है? आरोपियों से वहाँ मौके पर उनके द्वारा जो एक कट्टा टाइप है वो उसमें कोई खराब चीज नहीं है, तो वो बनावटी उसी इस तरह से वो वहाँ से हमने एक तो खेतों से बरामद कर लिया और दूसरे का काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी बरामद नहीं हुआ, क्योंकि दो मुलजिम उनमें से भाग गए, उनके उन्होंने उनको दे दिया और उन्होंने किन साइड छपा दिया। उसका भी रिमांड के दौरान प्रयास करेंगे। मामला था क्या नाम से, मैं वाइफ को छोड़ने जा रहा था तो वहाँ पे आए मेरे पास और आके क्या नाम से सीधा लठोरा उठाया और उससे मारने लग गए, बंदूक दिखाई फिर हम बंदे गए गाड़ी में, फिर सीधे लेके गली बोलनी साइड लेफ्ट साइड से गांव में ले गए सीधे इमरान साइड, हमारी जगह बैठा दिए। इतनी देर वहाँ पुलिस पहुंची 2 बजे के आसपास, फिर वहाँ से सबको गिरफ्तार किया, फिर हम तैयार आ गए। बदमाशों की संख्या कितनी थी? क्या चीज बदमाशों की संख्या कितनी थी? ये थे 8 जने थे। कौन सी गाड़ी में आए थे? ईटी का। ठीक है, मामला क्या था? अरे मामला बैलेंस का बता था, कोई पेमेंट वगैरह का, पर मैं ना तो लिया ना मैंने दिया किसी को, ना मेरे हाथ में आया। अब जो बंदा है वो देता नहीं है, मेरे ऊपर प्रेशर करते हैं ये।